स बॉयज एंड गर्ल्स इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर ऑल द सी एस स्टूडेंट्स आईसीएसआई ने ऐलान कर दिया है एग्जाम का सो द एग्जाम कॉन्टेम्पलेटिंग दैट सी एग्जाम अगस्त फॉर द जून टर्म तो दिसंबर का एग्जाम जनवरी में होगा फेबर में होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है हर साल की तरह जैसे सदियों से ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होते आया है इस बार भी दिसंबर 21 का जो सी का एग्जाम रहेगा बहुत एक्जीटिव इनेशन इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी ऑफ दिसंबर एग्जैक्टली सेम रूटीन इज बिंग फॉलोड पूरा का पूरा सेम रूटीन है खाली बीच में ट्वेंटी दिसंबर का एक छुट्टी और कोई छुट्टी नहीं है बैक टू बैक एग्जाम्स है यस yes, ये बैक टू बैक एग्जाम बहुत ज्यादा मेंटल ट्रामा और प्रेशर क्रिएट कर देता है मैंने आईसीआईसी को बहुत बार बोला है कि बीच में एक दिन का गैप होना चाहिए बट इंस्टीट्यूट इस बार भी जो है गैप नहीं दिया ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेकर के आपका एग्जाम्स जो है अगर आप एग्जीक्यूटिव के हैं तो ट्वेंटी दिसंबर तक चलेगा प्रोफेशनल तक प्रोफेशनल के हैं तो थर्टी दिसंबर तक चलेगा ठीक है सेम ऑर्डर में जो पेपर्स होते आए हैं उसी ऑर्डर में होंगे सो ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर से पेपर चालू है दो से पांच आपका एग्जाम का टाइम रहेगा ठीक है uh, तो भाई अब स्टूडेंट लोग के दिमाग में आ रहा होगा अच्छा इसका पीडीएफ जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं वहां से डाउनलोड कर सकते हो और दिमाग में स्टूडेंट लोग के आ रहा होगा सर अभी हम लोग के पास हाफ अगस्त बाकी है ठीक है फिफ्टी ऑफ द अगस्त वन सेप्टेंबर अगस्त का हाफ फिर सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर का भी तो आता है भाई यस yes, सर पूरा सितंबर है अक्टूबर है नवंबर है एंड दिसंबर का ट्वेंटी डेज एंड अगस्त का फिफ्टीन डेज तो समझ लो मोटा मोटी तुम पांच सात दिन बीमार भी हो जाते हो बीच में बुखार बुखार भी हो जाता है जो कि आजकल नॉर्मल है तो भी तुम्हारे तो पास चार महीना रहेगा फोर मंथ्स यू हैव अब क्या फोर मंथ्स में सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल निकालना काफी है ट्रस्ट मी फोर मंथ्स आर मोर देन इनफ ट्रस्ट मी चार महीना बहुत होता है अगर आप पढ़ाई कर लो ठान लो तो चार महीना बहुत है पढ़ने वाले बच्चे के लिए चार महीना में रैंक आ सकता है यू कैन स्टिल गो फॉर अ रैंक इन दिस फोर मंथ्स मैं आपके साथ लास्ट तक डटे रहूंगा जैसे इस टर्म में मैं लास्ट तक डटे रह रहा हूं एग्जाम के एक एक दिन पहले रिवीजन करवा रहा हूं शॉर्ट शॉर्ट रिवीजन डेढ़ डेढ़ घंटा का जिसमें बल्क बल्क पोर्शंस भी मैराथन रिविजन में हो जा रहा है कितने सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा उठाए हैं मेरे पास लाखों स्टूडेंट्स का जो है वो ब्लेसिंग्स है और डेली जो है हजारों की मात्रा में स्टूडेंट लोग जो है वो मैसेज करते हैं कि सर मजा आ गया सर इतना जबरदस्त जो है वो रिवीजन हुआ तो भाई एक मैं क्यों कर रहा हूं लाखों स्टूडेंट के दुआओं के लिए और आपके करियर के लिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहो आपका मैं सीएस पार करवा करके छोड़ूंगा यह मेरा गारंटी है अच्छा अब मैं बता दूं कि फोर uh, मंथ्स में आप दोनों मॉड्यूल आराम से निकाल सकते हैं कोई टेंशन मतलब हाँ जिसका अभी प्रिपरेशन चालू ही नहीं हुआ है या चालू ही हुआ है सिर्फ वो तो एक ही मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर करें ऑब्वियस ऑब्वियस अगर आपका पहले प्रिपरेशन जीरो है आपने कभी बुक ही नहीं खोला तो बता है आप एक जैसे अभी जो आ, अपना जुलाई में सीएसईटी का रिजल्ट निकला था ठीक है उन लोग तो एक ही मॉड्यूल के लिए एलिजिबल है दिसंबर के लिए और एक मॉड्यूल आराम से उन लोग चार महीना में पढ़ करके जो है वो क्रैक कर सकते हैं ठीक है तो प्लीज अब जो है आप लोग पढ़ाई लिखाई जो है उसको सीरियसली चालू कर दीजिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है ठीक है एंड ये बहुत बढ़िया कि आई ने नॉर्मली आई इतना जल्दी रूटी निकालता नहीं है बहुत बढ़िया कि आई रूटीन रूटी निकाल करके ताकि ये क्लियर कर दिया कि फेबर जनवरी छोड़ो तुम्हारा एग्जाम जो है शेड्यूल डी रहेगा दिसंबर से जैसा है सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड विद मी स्टे कनेक्टेड टू द चैनल अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं हो ये पाप कर रहे हो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट में लेकर के आ रहा हूं और हां अगर अभी तक आपने ट्यूशन नहीं लिया या फिर आप गलत गाइडेंस में फंस गए हैं आप हमारा अभी लाइव एट होम बैच ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता दूं लाइव एट होम बैच हम लोग दिसंबर के लिए पूरा का पूरा मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू हम लोग लेटेस्ट रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो वही सबको पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में जा रहा है और मॉड्यूल वन का हम लोग फिर से लाइव एट होम बैच जो है वो ले रहे हैं अभी तो आप जो है अपना लाइव एट होम बैच मॉड्यूल वन के लिए हम लोग यहां पर इनरोलमेंट करवा सकते हैं आपका मतलब सोचो क्या लेवल ऑफ डिसिप्लिन रहेगा यार तुम्हारा सिलेबस ऑब्वियस होता है हम लोग एग्जाम के 45 डेज पहले कंप्लीट कर देंगे तो ये दो महीना में तुम्हारा पूरा जो है दो ढाई महीना में तुम्हारा पूरा सिलेबस हम लोग लाइव एट होम में कंप्लीट कर देंगे मॉड्यूल वन का तो उसके लिए तुम लोग इन्नॉलमेंट करा सकते अच्छा उसमें कमनी लो हम लोग हो चुका है कमी लॉ मेरा पिछला ही हफ्ता हुआ है एक या दो क्लास बाकी होगा आ, वो जो है वो ड्राइव के क्लासेस जो है वो मिलेंगे और अभी जे और एस चल रहा है तो आप फटाफट जो है इन्वॉलमेंट करा सकते हो ठीक है चलो थैंक यू टेक केयर लॉट्स ऑफ लप बाय